मैं हूं जाहिर खान और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज़। 2019 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब ऐसे में राजनीतिक जरा गर्म हो जाती है क्योंकि राजनेताओं का आना जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। आज बात करते हैं पुनाना विधानसभा क्षेत्र की, क्योंकि मेवात की सियासत में हमेशा से अलग अलग तरीके के मोड़ होते आए हैं और आज पुनाना विधानसभा क्षेत्र की सियासत ने एक नया मोड़ ले लिया है। पूर्व गृह मंत्री सरदार खां के साहिबजादे चौधरी एजाज खान कांग्रेस पार्टी के टिकट लेकर के आ गए हैं। अब वो आ तो गए हैं, जो पुनाना विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी पंचायत सिरोली में होने जा रही है, क्योंकि बाईसी का सबसे बड़े गांव माना जाता है और इसको लेकर के बिरादरी के आगे इन्होंने समर्पण कर दिया है। किस तरीके से देखते हैं आगे की सियासत कैसी होगी और बिरादरी को साथ लेकर के एजाज खां चल रहे हैं, क्योंकि सही कहा है किसी ने, अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान तो थोड़ा ऊंचा कर दो आसमान। उसी को सही तरीके से जगजाहिर कर दिया है, क्योंकि पार्टी के सच्चे पक्के सिपाही एजाज खान, क्योंकि पार्टी की बगावत नहीं उसका फल, क्योंकि दूरगामी परिणाम होते हैं, उसको कहीं ना कहीं स्टिक साबित कर दिया एजाज खान। इससे बात करेंगे जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे न्यूज चैनल में जुड़ने के लिए। शुक्रिया आप लोगों का भी बहुत। किस तरीके से देख रहे हैं सर कि आपने बड़े बड़े नेताओं को मतलब धराशाही करके और आपने टिकट ला करके जनता के बीच में जो दे दिया है? देखिए, बड़ा वो होता है जिसे जनता बनाती है जी। जब जनता जिसके लिए फैसला करती वो बड़ा बनता है। हम 8-9 साथियों ने टिकट के लिए कोशिश की, सब ने अपने अपने तरीके से प्रयास किए, पार्टी ने अपने एंगल से टिकट दिया, कोई ना कोई खूबी पार्टी को मेरे अंदर दिखाई दी, मुझे दिया। भाई अख्तर मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने भी पार्टी का टिकट मांगा। उससे पहले 2009 में इनको पार्टी ने टिकट दिया था। आज भाई मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और उसके अलावा अभी हमारे चौधरी शौकत घुड़चड़ी ने भी टिकट मांगा था। अच्छा, ऐसा नहीं है, तीन आदमी तो हम यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने पार्टी का टिकट मांगा था। और ये सिरोली है मेरी, बाईसी का बड़ा गांव है, हमारे माई बाप हैं। मेरा फर्ज बनता है कि पार्टी हाईकमांड ने जब मुझे टिकट दिया तो मैंने अपने माई बापों के आगे, अपने चौधर के आगे उस टिकट को ला के इन लोगों को दे दिया, क्योंकि मैं अकेला चुनाव नहीं लड़ सकता जी। चुनाव मेरी बाईसी लड़ेगी, बाईसी के लोग लड़ेंगे। इसलिए मैंने तो आज पहली बार हम दोनों भाई यहाँ चल कर आए हैं, अपने चौधरी के आगे और चौधरी के गांव की पंचायत के आगे हमने अपनी अपील रख दी है। किस तरीके से देख रहे हैं आप, क्योंकि गांव सिरोली एक बाईसी में एक बहुत बड़ा वजूद है, यहाँ किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है? और ये जो आपने, हम देख रहे हैं ये कार्यकर्ता और जो बिरादरी आमजन जो यहाँ मौजूद है, क्या उद्देश्य था? देखिए, मैं आज सच्चाई आपको बताता हूँ कि बिरादरी कोई मेरे लिए, एजाज के लिए कोई फैसला नहीं करेगी जी। बिरादरी का दिल अगर नरम होगा तो मरहूम चौधरी सरदार खां के नाम पे, मरहूम चौधरी सरदार खां ने मेवात के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं, मेवात के नौजवानों को रोज़गार दिया है, हज़ारों लड़कों को नौकरियां, सरकारी नौकरियां लगाना सिखाया है। उस नाम पे लोगों का मन बन जाता है कि भाई मरहूम चौधरी सरदार खां का बेटा टिकट लेकर आया है तो लोग इस पे साथ लगेंगे इंशाल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है लोगों से। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और इस बार भी जुड़ गया है कि सबका विश्वास। कहीं ना कहीं 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, और अगर आपने, आपको जनता ने मौका दिया विधानसभा में पहुंचाने का, मतलब आपके एजेंडे क्या होंगे? देखिए, एजेंडे मैंने आपको पहले अपने मरहूम वाली साहब चौधरी सरदार खां का जिक्र किया जी, उनके एजेंडे, मैं उन्हीं एजेंडों पे आगे काम करूंगा। मेवात में एजुकेशन का बढ़ाना, मेवात से बेरोजगारी को ख़त्म करना, यहाँ पानी की समस्या को ख़त्म करना, हेल्थ के लिए और जो तरीके जो आएंगे उनको हम मिल बैठ कर साथी उन बातों के ऊपर चलेंगे। अच्छा, जैसे पार्टी ने आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है जी, उसको लेकर के कहीं ना कहीं चुनौती तो है, और किस तरीके से देखते हैं अपने परिवार को, आपका सियासी खानदान रहा है, कैसा साथ मिल रहा है? आपके सामने बड़े भाई अख्तर मौजूद है हमारे साथ जी, और परिवार के और सदस्य भाई अयूब मौजूद है जी, और साथी मौजूद हैं जी। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने बाईसी के लोगों के, पंचों के जरिए से पूरी बाईसी को इकट्ठा कर पाऊंगा और सबके सब साथ लगेंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे वाजिब हो जाता है
मेवात के युवाओं की सबसे बड़ी मांग रही है, यूनिवर्सिटी और खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में मेवात पिछड़ा हुआ है जी। और आप शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पुरजोर कोशिश करते रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं मेवात के युवाओं में टैलेंट तो है, हुनर तो है, जरूरत है उनको अलग तरीके का एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आज आपसे पहली बार बात हो रही है, इससे इस सिलसिले में हमने यूनिवर्सिटी के सिलसिले में पहले भी कई आंदोलन भी किए हैं, राजनीतिक स्टेजों से हमने डिमांड भी की है कि मेवात में अब यूनिवर्सिटी की बहुत सख्त ज़रूरत है। जब हमारे वाली साहब का दौर था उस वक्त प्राइमरी स्कूल भी मेवात में नहीं थे, प्राइमरी स्कूल बनवाए गए, हाई स्कूल बनवाए गए, जहाँ हाई स्कूल की ज़रूरत थी वहाँ हाई स्कूल करे गए, जहाँ मिडिल स्कूल की ज़रूरत थी वहाँ मिडिल स्कूल करे गए, जहाँ IIT ITI की ज़रूरत थी वहाँ ITI खुलवाई गई, जहाँ JBT की ज़रूरत थी वहाँ JBT खुलवाई गई। अब यहाँ यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है क्योंकि एजुकेशन का स्तर मेवात के अंदर बढ़ रहा है, इसलिए हमारे नौजवान हायर एजुकेशन के लिए कहीं दिल्ली, कहीं बम्बई, कहीं महाराष्ट्र, कहीं बाहर प्रदेशों में जाना पड़ता है। हमारी कोशिश होगी कि आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी और जैसे ही कांग्रेस की सरकार यहां सत्ता में आएगी, हमारी कोशिश होगी कि हम मेवात में यूनिवर्सिटी खोल पाएं। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी का नारा है, अब की बार 85 पार, कांग्रेस सरकार, भारतीय जनता पार्टी बाहर, कहीं ना कहीं क्या सटीक साबित होगा? बिल्कुल होगा, बहुत सोच समझ के पार्टी हाईकमान ने टिकटों का बंटवारा किया है, बहुत मजबूत साथी चुनाव लड़ रहे हैं। सर, बगावत का दौर अभी भी जारी है? ये तो देखो, हर पार्टी में हर दौर में होता है, और साथियों परिवार के अंदर रूसना ये थोड़ा बहुत चलता रहता है, बर्तनों में खनखनाहट तो होती है जब बर्तन निकलते हैं। कहीं पार्टी में बगावत की वजह से नुकसान तो होगा ना? थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन ऐसा दूसरी पार्टी में होता है। ये तो सत्ता पक्ष के रवैये को कैसे देखते हैं? सत्ता पक्ष का रवैया मेवात के प्रति तो बहुत खराब रहा है। अच्छा, हाँ, किससे मुकाबला मानते हैं पुनाना से? कोई मुकाबले भी नहीं है। अच्छा, हाँ, जिस तरीके से कुछ दिन पहले सनसनी बनी नोकचम चौधरी का नाम आता है, कहाँ तक देखते हैं पार्टी ने उस पर जो भरोसा जताया है? देखिए, जिस कैंडिडेट को मेवात ने 2 महीने पहले देखा नहीं, अब वो तो पार्टी, वो BJP सोचेगी कि भाई उन्होंने क्यों भरोसा जताया है जी। लोग तो यहाँ उसको साथ देंगे जो उनके दुख सुख में शामिल होता है, जो उनके बीच में रहता है। वो लड़की तो बेचारी यहाँ रही ही नहीं कभी, पैदा भी मेरे ख्याल से तो बाहर हुई है जी। अब 2 महीने से यहाँ, 2 महीने भी शायद पूरे नहीं हुए उसको यहाँ के आगे, तो लोग इस ऐसे कैंडिडेट को, बाहरी कैंडिडेट को नहीं मानेंगे। सर, आपको हाथ का साथ मिलेगा। और एक और सवाल आपसे, जनता को जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि मेवात की जनता का हमेशा से शोषण होता रहा है और हर नेता को इन्होंने चुना है, किस रहबर को चुने? नहीं, ऐसा नहीं है कि हर बार शोषण हुआ है जी। एक दौर था यहाँ, बहुत अच्छा दौर आया, मरहूम चौधरी सरदार खान के वक्त का दौर जी, उसमें जनता के बहुत सारे काम हुए। आज जनता यहाँ मौजूद है, अगर एक भी आदमी कह दे वहाँ उस वक्त का शोषण हुआ है तो मैं आपकी बात को मान लूंगा जी। जाते जाते जनता को वो संदेश जिसको जनता जानना चाहती है, जिम्मेदार शख्स से, आप जैसे जिम्मेदार शख्स से जानना चाहती है, मेवात की इज्जत को बरकरार रखा जाएगा, मेवात के मान सम्मान को बरकरार रखा जाएगा जी। जैसा एक दौर था, मेवातियों की एक पहचान थी, उस पहचान को वापस ही रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ। ये थे हमारे साथ चौधरी एजाज खान, जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ताल ठोक चुके हैं पुनाना विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि सियासत ने एक नया मोड़ ले लिया है, थाम के बैठिएगा, क्योंकि सियासत गिरगिट की तरह कलर बदल रही है और ऐसा ही देखने को मिल रहा है पूरे मेवात की सियासत में, क्योंकि नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए अलग अलग पार्टियों का रुख कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ का